समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को शिकायत की गई, यहाँ के डीएम एसपी समेत तमाम ऐसे पुलिस कर्मी हैं और प्रशासनिक अधिकारी जिनको भी भाजपा का ऐसे बताया गया है। मैं समझती हूँ पार्टी की तरफ से शिकायत करी गई है मैनपुरी को लेकर। जी जी, पिछले उपचुनाव में और नगर पालिका चुनाव का उसमें जिक्र भी किया गया है। जी, तो जो पार्टी ने उचित समझा है उसी को देखते हुए याचिका करी गई है। राहुल गांधी ने एक बयान जो दिया था शक्ति को लेकर, हिंदू धर्म में एक शक्ति है, उसका मोदी ने जो है पलटवार किया है। ऐसे ही जब चौकीदार चोर है जो बयान दिया था, मतलब मोदी जो उसको भुना लेते हैं। तो राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री के बीच की बात है तो मैं किस पे। अच्छा, आप आपकी देवगानों की चर्चा है कि यहाँ से उतर रही है चुनाव मैदान भाजपा से, इस पे क्या कहेंगे? मैं चौधरी की नेताजी की कर्म नहीं है और जितने भी लोग हैं वो नेताजी के प्रति और नेताजी का उनके साथ बहुत ही आत्मा रिश्ता रहा है, परिवार की तरह उन्होंने माना है। और मैनपुरी भी हमेशा से पूरी समाजवादी हमारा परिवार पूरे परिवार की तरह ही रहते हैं, तो बहुत अच्छा चुनाव होगा चाहे कोई भी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पटेल जी ने शिकायत की है मैनपुरी में दरोगा से डीएम तक भाजपा के एजेंट बताए। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि जो रेड कार्ड इश्यूज होते हैं वो खाली समाजवादी के कार्यकर्ताओं पर क्यों इश्यू होते हैं? क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं पर एक भी रेड कार्ड इश्यू नहीं होता है? और खाली समाजवादी ही पार्टी है जिनके कार्यकर्ता हैं जो गलत करें, जिनके रेड कार्ड इश्यू होते हैं, वो भी चुनाव से पहले जब वोटिंग से दो दिन पहले रेड कार्ड इशू कर देंगे? क्यों कर देंगे रेड कार्ड इशू? ये कहाँ का लोकतंत्र है? क्या मैम मैनपुरी में ही ऐसा है या पूरे प्रदेश में शिकायत करने वाली समाजवादी पार्टी? ये पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे लोगों के संपर्क में लगातार हूँ, क्षेत्र में घूम रही हूँ, क्षेत्र के लोगों के द्वारा ही इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। और लेकिन ये गलत बात है कि रेड कार्ड समाजवादी पार्टी के लोगों को कार्यकर्ताओं को इश्यूज होते हैं इलेक्शन के टाइम पे समय पे और दबिश दी जाती है इलेक्शन के समय, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में होता है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। मैम अखिलेश जी ने अभी डिसाइड नहीं उनका हुआ कहाँ से लड़ रहे हैं, क्या कुछ बता सकती हैं आप? कहाँ से लड़ने वाले हैं? जी का निर्णय है और जो वो डिसाइड करेंगे हम उस पे अमल करेंगे। लगातार कैंपेनिंग कर रही है लगभग एक हफ्ते से आप अपने क्षेत्र में, क्या रिव्यू मिल रहा है आपको पब्लिक से, कैसा लग रहा है? तो बहुत काम करना है।